एक ऐसा गैंगस्टर जिसके नाम के आगे उसके पिता ने सरनेम के बजाय गांधी लगा दिया था, क्योंकि वो जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन 2 अक्टूबर था, देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के जन्मदिन का दिन। घर वालों ने ये सोचकर नाम गांधी रखा होगा कि आगे चलकर उनका बेटा महात्मा गांधी की तरह कुछ ऐसा करेगा जिससे उनका नाम होगा, और उनके बेटे ने ऐसा किया भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसे सीधा रास्ता छोड़कर जरायम की दुनिया में एंट्री मारनी पड़ी और बन गया एक गैंगस्टर। आज हम बात कर रहे हैं रुपेंद्र गांधी की, एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, ना तो किसी कभी कोई लूट की वारदात को अंजाम दिया और किसी को बेवजह परेशान भी नहीं किया। फिर भी उसके खिलाफ लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। रुपेंद्र गांधी एक समय में जाने माने फुटबॉल प्लेयर रहे थे, और रुपेंद्र गांधी को लेकर आपने आज तक कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण एक आम इंसान को गैंगस्टर बनना पड़ा। वो गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के दिन पैदा हुए 1979 में, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम औजला, उनके पिता जो औजला थे उनका नाम गांधी रखने का फैसला किया। जब वो 22 साल के हुए तो उन्हें गांव का सरपंच बना दिया गया, मुखिया, प्रधान। रुपेंद्र एक बेहतरीन राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे, और उसके बाद वो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के काबिल छात्र भी थे। स्थानीय यूथ आइकॉन के तौर पर वो देखे जाते थे। जो लड़का पूरे गांव के लिए एक मिसाल और आदर्श बनकर सामने आया था, वो गांव के बाहर हिंसा का पर्याय भी बन चुका था, जिससे हर कोई डर के मारे कांपता था। रुपेंद्र बचपन से ही काफी समझदार थे। उनकी एक खासियत ये भी थी कि वो अपने गांव वालों की मदद के लिए हर मुश्किल घड़ी में तुरंत तैयार रहते थे, मसीहा बनकर खड़े रहते थे, और इसी वजह से सभी गांव के लोगों का उनके प्रति जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उनकी पढ़ाई गांव के स्कूल में पूरी हुई, आगे की पढ़ाई पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पूरी की। खेल का काफ़ी शौक था, जिसके लिए उन्हें कॉलेज स्तर पर जारी रखा। उन्होंने नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेला। वो कॉलेज के दोस्तों में काफ़ी मशहूर थे। जब भी कोई दोस्त किसी लड़ाई झगड़े में फंसता तो रुपेंद्र गांधी पहले पहुंच जाते उसका साथ देने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये सभी लड़ाइयाँ गैंग वॉर में तब्दील होगी, इस शायद रुपेंद्र गांधी को भी नहीं पता होगा। रुपेंद्र का गांव वालों के प्रति चिंताजनक ध्यान उन्हें सबकी नज़रों में हीरा बना दिया, और इसी वजह से उनके 22 साल की छोटी उम्र में ही गांव वालों ने आपसी सहमति से उन्हें गांव का मुखिया घोषित किया। आज जहां लड़ाइयां होती हैं, रुपेंद्र ने सरपंच बनने के बाद कई ऐसे काम अंजाम दिए जो लोगों का दिल जीतने के लिए काफ़ी था। उन्होंने कई गरीब लड़कियों की शादियां की, वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा से आगे आते रहे बचपन से, इसीलिए गाँव वाले उन्हें एक मसीहा के तौर पर देखते भी थे। जहाँ एक तरफ रुपेंद्र गांधी अपने गांव में एक नेक इंसान बनकर सामने आ रहे थे, वहीं गांव के बाहर उनकी लड़ाइयाँ और झगड़े लगातार बढ़ती चली जा रही थी, और इसी वजह से उनके नाम पर 8 से भी ज़्यादा FIR अब तक दर्ज हो चुका था। रुपेंद्र शुरू से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल थे, इसीलिए बहुत से गैंगस्टर और नेता उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे थे। उनके दुश्मनों की संख्या धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा होती चली जा रही थी, इसीलिए लोग उन्हें जान से मारने पर उतारू हो चुके थे। रुपेंद्र गांधी बहुत कम समय में फेमस हो चुके थे, जिसकी वजह से वो कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगे थे। उसके दोस्त हमेशा उसके साथ रहा करते, उसे अकेले में कहीं भी जाने से मना किया जाता, लेकिन रुपेंद्र गांधी बिल्कुल बेपरवाह थे। उनका मानना था कि मौत आनी है, आएगी एक दिन, फिर डर कर क्यों जीना। उन्हें लगता था कि वो किसी भी परिस्थिति में अकेले ही निपट सकते हैं। और फिर वो दिन भी आ गया जब कहा जाता है रुपेंद्र गांधी के साथ वो होता है जिसका डर उनके दोस्तों को लगातार होता है। 5 सितंबर 2003 को सुबह 8:30 बजे रुपेंद्र अपने एक साथी हरप्रीत के साथ सलोधी गांव के सुरेंद्र पाल से मिलकर वापस आ रहे थे। रुपेंद्र स्कूटर चला रहे थे और हरप्रीत पीछे वाली सीट पर बैठे थे। जब ये लोग देहरू गाँव के पास से गुजर रहे थे, तभी एक कार उनका पीछा करती है। उस कार ने रुपेंद्र के स्कूटर को टक्कर मारी, और कार में सवार लोगों ने हवा में फायरिंग की। इन लोगों ने रुपेंद्र को बहुत मारा पीटा, अपने साथ गाड़ी में लेकर चले गए। हरप्रीत के बयान पर खन्ना सदर थाने में रुपेंद्र के अपहरण का मामला दर्ज हुआ, और फिर इस घटना के 4 दिनों के बाद यानी 9 सितंबर 2003 को रुपेंद्र की लाश भाखड़ा नहर के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिली। पोस्टमार्टम से मालूम चला कि उनके हाथ और पैर की हड्डियाँ तोड़ दी गई थी, और उनको 2 गोलियां भी मारी गई थी। रुपेंद्र के अपहरण और हत्या के मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया।
जिसमें लखी नाम का एक आरोपी मुख्य भूमिका में था। जब उनकी लाश यानी रुपिंदर गांधी की लाश पुलिस को मिली तो उसका चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि उनके चाहने वाले उनकी मौत के बाद किसी तरह की शांति भंग न कर पाए। रुपिंदर गांधी के अंतिम संस्कार को लेकर कई तरह के मतभेद होते रहे। पुलिस का मानना है कि उन्हें कभी गांधी की बॉडी ही नहीं मिली। रुपिंदर गांधी की मौत के बाद उनके भाई ने अपने भाई की मौत का बदला भी लिया, लेकिन बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। साल 2017 में 20 अगस्त के सुबह 7:30 बजे जब रुपिंदर गांधी के भाई मनविंदर सिंह गांधी उर्फ मेहंदी अपने भतीजे के साथ खेत पर थे, तभी वहां पर दो नकाबपोश बदमाश आते हैं और उन्होंने मनविंदर सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद हमलावर मनविंदर सिंह की बुलेट मोटरसाइकिल लेकर बदमाश फरार हो गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तो ये कहानी थी रुपिंदर सिंह गांधी की, इतनी सी कहानी थी। लेकिन ये कहानी और गैंगस्टरों से अलग थी। रुपिंदर गैंगस्टर था या मसीहा, इस बात का फैसला आप खुद कीजिए, क्योंकि अभी तक हम जिन भी गैंगस्टरों की बात करते हैं तो सबसे पहले हत्या, डकैती, बदमाशी, इन सब सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुपिंदर गांधी के लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें गैंगस्टर कहा जाता है। वो गैंगस्टर थे कि मसीहा थे, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगाइएगा और आप जब समझ सोच विचार कर नीचे जवाब दीजिएगा कि रुपिंदर गांधी गैंगस्टर थे कि मसीहा। दूसरी एक अहम बात और हम आपसे बता दें, ये सभी जानकारियां हमने इंटरनेट के माध्यम से ली हैं और हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देने का कतई नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सही फैसला लेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि रुपिंदर गांधी मसीहा थे या फिर एक गैंगस्टर। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।